दोस्तों, क्या आप जानते हैं ग्राफिक मोड एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो कि किसी भी गेम को ऐसे मीन्स के जीरो से हीरो बना देता है। अगर आपके पास भी मेरी तरह लो एंड पीसी है एंड उसमें आप ग्राफिक मोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा ग्राफिक मोड आपकी गेम के लिए सही रहेगा, क्योंकि देखो ग्राफिक मोड तो बहुत है, फिर कौन सा मोड अपनी गेम में इंस्टॉल किया जाए जो कि अपनी गेम को लैग ना करे, और दूसरा कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि ऐसा लगे जैसे कि हम कोई बैड ग्राफिक मोड यूज कर रहे हो। खैर, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ग्राफिक मोड लाया हूँ जो कि मोस्टली पाकिस्तानी गेमर्स भी अपनी GTA 5 में यूज करते हैं। इस ग्राफिक मोड का नेम है ड्यूअल फायर। अगर आप इस मोड को अपने GTA 5 में इंस्टॉल करते हो तो आपकी गेम लैग तो नहीं करेगी एंड ऊपर से आपकी गेम की क्वालिटी भी ऐसे ऐसी हो जाएगी। और अगर आप इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के बाद भी अपने GTA 5 को एनहेंस करके ऐसे ऐसा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में ग्राफिक मोड इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसको ऑन करने से आपकी GTA 5 ऐसे हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी के ये सेटिंग आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो अभी मैं आपको अपना ग्राफिक मोड इंस्टॉल करना सिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए OpenIV। अगर आपके पास OpenIV पहले से इंस्टॉल है तो आप ऐसा करो कि इस वीडियो का OpenIV वाला पार्ट स्किप कर लो। अगर आपके पास OpenIV नहीं है या तो आप ऑफलाइन वाला मेरी तरह इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऐसा करो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिंक को ओपन करना। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपने डाउनलोड OpenIV पर क्लिक कर लेना है तो अपना OpenIV डाउनलोड हो जाएगा। नाउ आपने OpenIV वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली आप इंग्लिश पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना। इसके बाद इस एग्रीमेंट पर टिक करके सिंपली कंटिन्यू कर लेना। नाउ फिर से कंटिन्यू करके थोड़ी देर वेट करोगे तो ये अपना OpenIV सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ तो अपना OpenIV इंस्टॉल हो चुका है, अभी आपने सिंपली इसको क्लोज कर लेना है। ओके, तो अभी हम अपने OpenIV वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने ब्राउज पर क्लिक करना है। अभी जहाँ पर भी आपकी GTA 5 गेम सेव है वहाँ उस फोल्डर में चले जाना है। तो मेरी GTA 5 फोल्डर डिस्क ई में सेव है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी हमने गेम वाले फोल्डर पर क्लिक करके सिंपली सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है। नाउ हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करेंगे तो अपना OpenIV खुद ही ओपन हो जाएगा। वेल, तो अभी अपना OpenIV ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि ऊपर में आपको दिखेगा एडिट मोड को, सिंपली इस पर क्लिक करके आपने एडिट मोड को इनेबल कर लेना है। मेरे पास नहीं दिख रहा तो मैं F6 बटन प्रेस करके एडिट मोड को इनेबल कर लेता हूँ। नाउ हमने ऐसा करना है कि ऐसा है मैनेजर पर क्लिक करना है। पहला फाइल पहले से इंस्टॉल है, नाउ सिंपली हमने दूसरे फाइल को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर यस कर देंगे, उसके बाद तीसरे फाइल को भी इंस्टॉल करके इसको क्लोज कर लेंगे। नाउ अपना OpenIV का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने VLB वाला मोड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से सेकंड लिंक को ओपन करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। लिंक अगर आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना। फिर से डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये अपना मोड डाउनलोड हो जाएगा। वेल, तो अपना मोड डाउनलोड करने के बाद अपने OpenIV में एडिट मोड को एनेबल रहने देना है। नाउ यहाँ पर हमने ना अपना VLV ग्राफिक मोड ओपन करना है। VLV वाले फोल्डर में जाएंगे, इंस्टॉलेशन VIA OIV वाले फोल्डर में चले जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि इस VLV वाले फाइल को सिंपली ड्रैग करके OpenIV में ड्रॉप कर लेना है। अभी हम इस मोड को कट कर लेंगे। नाउ यहाँ पर सिंपली हम इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे। नाउ यहाँ मोड्स के फोल्डर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये अपना VLV वाला मोड खुद ही अपने GTA 5 में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो अपना मोड इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली इसको क्लोज करके अपने OpenIV को भी क्लोज करके अपने GTA 5 गेम को ओपन कर लेंगे। गेम ओपन करने के बाद आप देखोगे तो अपने GTA 5 के ग्राफिक्स पहले से एनहेंस हो चुके होंगे।
अभी मैं आपको अपने GTA 5 के ग्राफिक्स इससे भी ज़्यादा इन्हेंस करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ऐसा करना है कि F8 बटन प्रेस करके अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास मेन्यू ट्रेनर नहीं है तो इस वीडियो को देखकर अपने GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल कर लेना। तो मेन्यू ट्रेनर ओपन करने के बाद हमने मिस्क ऑप्शंस में चले जाना है। अभी यहाँ पर फुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे होगा व्यू एंड हैक्स, तो सिंपली इस व्यू एंड हैक्स वाले ऑप्शन में हम एंटर करेंगे। उसके बाद 7th नंबर पर होगा एम्बिएंट पुश। जैसे ही हम एम्बिएंट पुश पर एंटर करेंगे तो अपने ग्राफिक्स पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो चुके होंगे। तो दोस्तों यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपने अपने GTA 5 में प्रोटोकॉल बनाना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। अगर आपने अपने GTA 5 में टेक्नो गेमर्स की तरह स्टोरी क्रिएट करनी है तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे।